गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ल्ड। सो आज का टॉपिक है कुछ कंस्टेंट विच इज़ यूज्ड इन MySQL और SQL और Oracle। तो उसी पे बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट द डेटा, हाउ टू मॉडिफाई द टेबल, हाउ टू अपडेट द डेटा वी हैव लर्न्ड। बट टुडे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन सेट द कंस्टेंट इन द टेबल। एग्जाम्पल कि सपोज मैंने यहाँ एक टेबल ले लिया, उस टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट रखा है यहाँ पर, और उसके मैंने कुछ कॉलम्स लिए हैं जैसे SID, स्टूडेंट ID, एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, कंट्री, एज, ये मैंने उसके कॉलम रखे हैं। अब होता क्या है कि मैं पूरी टेबल पे एक बार प्राइमरी की लगा सकता हूँ, और अगर मुझे दो कॉलम या दो से ज़्यादा कॉलम पे प्राइमरी की लगानी है तो प्राइमरी की का कंसेप्ट चेंज हो जाता है कंपोजिट की में। फिर उसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं, ना कि प्राइमरी की बोलते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि प्राइमरी की लगाऊँ तो मैं एक ही कॉलम पर, लेकिन बाकी जो कॉलम काम करें वो प्राइमरी की तरह ही काम करें। तो उससे पहले एक डिफरेंस समझते हैं कि एक होती है यूनिक वर्ड, यूनिक की, और एक होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की के सारे फंक्शंस जो होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो यूनिक की फॉलो करती है, बस एक फंक्शन को छोड़ के। प्राइमरी की जिस कॉलम पे हम लगाते हैं तो उस कॉलम को हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यूनिक की में हम उस कॉलम में एक बार ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये डिफरेंस होता है प्राइमरी की और यूनिक की में। तो मैंने यहाँ क्या करा है कि मैं चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट ID इंसर्ट करें तो स्टूडेंट ID होनी यूनिक चाहिए, यानी अपने आप में एक जैसी होनी चाहिए, और एडमिशन नंबर तो होना ही चाहिए। किसी कैंडिडेट, किसी स्टूडेंट का अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो ऑब्वियसली उसको मैं स्टूडेंट एडमिशन नंबर असाइन कराऊंगा ही कराऊंगा, और साथ में एक स्टूडेंट ID भी असाइन कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ एडमिशन नंबर तो मुझे प्राइमरी की लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का एडमिशन नंबर चेंज नहीं हो सकता या किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, और स्टूडेंट ID भी मैच नहीं कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ID, जैसे किसी स्टूडेंट का एडमिशन हमने होल्ड पे रख लिया, तो एडमिशन नंबर तो उस समय दे दिया उसको, लेकिन उसको ID में असाइन नहीं कर पा रहा हूँ। या तो ये कह लीजिए मुझे उसकी स्ट्रीम नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मुझे साइंस देनी है या कॉमर्स देनी है या आर्ट्स स्ट्रीम देनी है, तो इसलिए मैंने उसकी ID को होल्ड करके रख लिया। और फर्स्ट नेम जो है, मुझे कैंडिडेट का नेम चाहिए चाहिए, इसे मैं कभी ब्लैंक ना छोड़ूँ। और कंट्री बाई डिफॉल्ट इंडिया ही आए, क्योंकि मैं अगर किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ इंडिया के अंदर, तो बाई डिफॉल्ट उस कंट्री का नाम भी इंडिया ही होगा। वो बात अलग है कि बाद में मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ। और एज किसी की हो वो 20+ हो, ये मुझे इतने सारे कंस्टेंट लगाने हैं, तो उसी को देखते हैं। तो वही टेबल क्रिएट करने की कमांड लगाई है मैंने, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ब्रैकेट आ गया है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट ID, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट ID में हमेशा वैल्यू हो लेकिन यूनिक। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट ID जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है, और यहाँ उसके आगे मैंने लिख दिया यूनिक वर्ड। यूनिक को आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि SQL की सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद कॉमा लगा दिया। यूनिक लगाने से अब इस कॉलम के अंदर आप कभी डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते, और पूरी कॉलम के अंदर एक बार आप इसे नल छोड़ सकते हैं। ये हो गया कॉमा। एडमिशन नंबर को मुझे प्राइमरी की बनानी बनाए, तो मैं यहाँ लिखा एडमिशन नंबर इंटीजर प्राइमरी की, ये मैंने सेट कर दिया और कॉमा लगा दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे फर्स्ट नेम तो चाहिए चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कैंडिडेट अगर एडमिशन लेने आ रहा है, इवन प्रोस्पेक्टस या एडमिशन फॉर्म भी खरीदने आ रहा है, तो उसके पास उसका कैंडिडेट का नाम तो होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं इसको यूनिक नहीं लगा सकता फर्स्ट नेम को, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम एक जैसा होता है, और प्राइमरी की भी नहीं लगा सकता क्योंकि रिपीट तो होंगे ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट नल। तो फर्स्ट नेम कैरेक्टर 30 जो भी स्ट्रिंग होगी है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉट नल, यानी अब मैं फर्स्ट नेम को कभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। जैसे इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो एक एरर फ्लैश हो जाएगी, यानी मुझे नल तो मैं असाइन करा ही नहीं सकता, मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने लिखा है, यहाँ कॉमा लगाया है, कंट्री डिफॉल्ट इंडिया, यानी अगर मुझे मेरे पास कंट्री नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही ऑटोमेटिक इंडिया इंसर्ट कर देगी। अगर मुझे इन केस अगर मान चलो इंडिया को चेंज करके किसी और कंट्री का नाम देना है, तो मैं फिर उसके लिए अपडेट कमांड लगाऊंगा। और एज इंटीजर चेक लगा दिया है यहाँ पर, चेक कंस्टेंट, और वहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हमने एज ग्रेटर देन 18। जिस कैंडिडेट की एज 18 से ज़्यादा है वही एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वरना नहीं है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन। हम क्रिएट कमांड को इस तरीके भी लिख सकते हैं, जहाँ मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तब जाके कमांड टर्मिनेट होगी, उससे पहले कमांड टर्मिनेट नहीं होगी। ये थे आज के SQL और MySQL और Oracle, तीनों के लिए कंस्टेंट जो है वो सेम इसी तरीके से लगते हैं। तो ये उसके लिए कंस्टेंट थे। आज के लिए केवल इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं एक वर्कशीट ऐड करने वाला हूँ। वर्कशीट मीन्स एक क्वेश्चन मैं ऐड करने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करना है।